बसमीम कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर को आधे में छोड़ा था ठीक है दिस वाज सेम टॉपिक रिपीट करेंगे वही जो हम कर रहे हैं इसका एग्जांपल कंप्लीट करेंगे अवर टॉपिक इज टू फेज मेथड ठीक है टू फेज मेथड में आप लोगों को पता है वही स्टार्ट फ्रॉम सेम कन्वर्जेशन ऑफ इक्वेशन इंटू इक्वलिटीज इंटू इक्वेशन लेकिन मेजर टास्क क्या होता है कि हम एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते हैं दैट इज़ आर्टिफिशियल वेरिएबल और हम उसको रखते हैं उसके बाद हम इसको टेबल बनाते हैं देन अवर एम इसके ये बेसिक जो वेरिएबल हैं इनके कोफ़िशंट क्या होने चाहिए इन जेड दे शुड बी जीरो ये जीरो होने चाहिए ठीक है उसके बाद हमारा दूसरा एम क्या होता है कि भाई जो जेड है ठीक है इसको हम जब इसको हम जब जीरो करते हैं बाय तो यहाँ पर क्या आ जाता है ये वाली वैल्यू आती है क्योंकि ऐड करेंगे ना जाहिर सी बात है दिस सिक्सटी विल कम हेयर देखें यहाँ पे सिक्सटी आ जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं कि सिक्सटी आ, आ जाता है फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं कि हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे जीरो करना होता है दिस जेड इक्वल टू जीरो और हमें यहाँ पे बेसिक वेरिएबल जो है बेसिक वेरिएबल जो है उसको हमें लीव करवाना होता है ठीक है यहाँ से तो फिर क्या करते हैं यहाँ पे देखिए हमने वही चीज कहा कि भाई यहाँ पे हमें जो टास्क अचीव करना है उसके लिए हम क्या करते हैं वही मेथड स्टार्ट करते हैं हमारा टू फेस का सबसे पहले मतलब सिंप्लेक्स की डायरेक्शन की तरफ जाते हैं हम कहते हैं कि भाई मोस्ट यहाँ पर हम क्या चेक करते हैं अगर मैक्सिमाइजेशन है वही चूज मोस्ट नेगेटिव नंबर ओके अगर आपके पास मिनिमाइजेशन है आप क्या चेक करते हैं मोस्ट पॉजिटिव नंबर इन दिस जेड इक्वेशन एक्स और वाई आपके पास क्या है पॉजिटिव नंबर है और दोनों टाई कर रहे हैं दोनों टाई कर रहे हैं तो एक को किसी को लीव करवाना है आपकी मर्जी है जिसको भी लीव करवाए हमने यहाँ पे क्या करवाया है एक को लीव करवाया जब जब लीव कर रहा है यहाँ पे सॉरी कर रहा है कोई भी एक क्या करता है इंटर करता है जब कोई भी एक एंटर करता है तो एक जब यहाँ पर बेसिक वेरिएबल में एक्स या वाई एंटर करेगा तो किसी एक को लीव करना है किसी एक को लीव करना है तो वो लीव क्या करेगा यूजिंग द रेशोज हमने फिर रेशोज बनाते हैं रेशो किसके बनते हैं आपके पास जो बेसिक वेरिएबल वेरिए थर्टी अपान जीरो और सिक्सटी अपान वन सिक्सटी हम से 40 उठा दे 40. इसका मकसद है एस वन लीव और हमें पता है कि एक्स एंटर करेगा एस वन लीव करेगा देखें एक्स ने एंटर किया और उसने लीव कर दिया है किसने एस वन ने ओके okay. फिर हम क्या करते हैं दोबारा से वही प्रोसेस स्टार्ट करते हैं हम कहते हैं कि भाई मोस्ट पॉजिटिव नंबर इन जेड इक्वेशन इज वन वन इसका मकसद है विल इन द बेसिक वेरिएबल वाई अगर इंटर करेगा तो बेसिक में से किसी को तो लीव करना है वंस अगेन वी फाइंड द रेशोज रेशोज किसके निकलते हैं अदर बेसिक वेरिएबल की जो इक्वेशंस होती हैं एक्स का क्या आएगा फोर्टी अपॉन जीरो इन्फिनिटी S2 का क्या आएगा 30 अपान वन थर्टी ओके ए का क्या आएगा 20 अपान वन ट्वेंटी सिमाल एस नंबर एस ट्वेंटी इन दिस केस योर ए विल लीव द बेसिक वेरिएबल और वाई क्या करेगा एंटर करेगा देखें वाई हैज एंटर्ड ओके देखें इसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं यहां पे देखें हम क्या कर रहे हैं फिर वही चीज सेम प्रोसेस से पाइवोट एलिमेंट की मदद से करते हैं जो प्रीवियसली मैंने आपको बताया था के भाई न्यू इक्वेशन दिस इज योर न्यू इक्वेशन ओके दिस दिस इज इज योर योर न्यू ओल्ड ओके न्यू एड इक्वेशन किसके बराबर होती है न्यू इक्वेशन बराबर होती है ओल्ड जेड इक्वेशन दिस इज योर ओल्ड जेड इक्वेशन अब वो किसकी मदद से हमें ओल्ड जेड इक्वेशन में ये जो एक्स का जो ये पावोट कॉलम है यहाँ पे यहाँ पे एस वन में जीरो करना है ठीक है यहाँ पे एस वन तो लीव कर रहा है आपके पास लेकिन जेड में ये वाला एलिमेंट जीरो करना है और आपके पास ये तो एलिमेंट जीरो ये इक्वेशन सेम रहेगी आपको पता है कि एक इक्वेशन सेम रहती है कौन सी इक्वेशन सेम रहती है जो लीव करती है दैट विल रिमेन आपके पास S1 ने लीव किया ठीक है तो इसकी जगह आपका क्या आ जाता है एक्स आ जाता है इक्वेशन वही रहती है देखें इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है लेकिन इसके बाद जो तीन इक्वेशन होती है उसमें से भी वो सेम रहती है जिसमें पाइवोट कॉलम का एलिमेंट जीरो होता है देखें ये एस वन वाला ये पावोट कॉलम है यहाँ पे ये लीव कर रहा है ना ये ये ठीक है एस वन इसकी मदद से ये भी जीरो करना है ये भी जीरो ये, लेकिन ये तो है ही जीरो ये जीरो है तो ये इक्वेशन भी सेम ही रहेगी देखें दिस इक्वेशन इज आल्सो सेम बाकी मुझे जेड इक्वेशन में और ए इक्वेशन में जेड इक्वेशन में ये वाला एक्स काफिशंट जीरो करना है और ए इक्वेशन में भी एक्स का कोफिशेंट हमें क्या करना है जीरो करना है उसके लिए हम क्या करते हैं वही फार्मूला भाई के न्यू z इक्वेशन न्यू ए इक्वेशन न्यू z इक्वेशन हमने बनाई थी लेकिन न्यू इक्वेशन दोबारा बना लेते हैं न्यू z इक्वेशन तो क्या करेंगे माइनस करेंगे s1 से माइनस करेंगे या प्लस हम दो एलिमेंट देखते हैं दिस एंड दिस देखें वन माइनस वन जीरो हमें पता है ये तो ईजी हम कह देंगे न्यू z इक्वेशन इज ओल्ड z इक्वेशन माइनस s1 s1 इक्वेशन देखें वन माइनस जीरो वन वन है ओके वन माइनस वन जीरो ओके देखें वन माइनस जीरो जीरो माइनस वन माइनस वन ओके जीरो माइनस जीरो माइनस वन माइनस जीरो फिर एस वन सेम रहेगी आपको पता है क्योंकि एस वन तो हमें लीव करी एस टू भी सेम होगी क्योंकि एस टू का तो है ही जीरो बाकी ए पे है न्यू ए इक्वेशन किसके बराबर होगी ओल्ड इक्वेशन फिर हम ये एलिमेंट देखेंगे दिस एंड दिस दोनों पॉजिटिव हैं देखेंगे माइनस न्यू ए इक्वेशन माइनस एस वन इक्वेशन तो क्या होगा जीरो माइनस जीरो जीरो ओके वन माइनस जीरो वन ओके जीरो माइनस वन माइनस वन ओके जीरो माइनस जीरो जीरो माइनस वन जीरो माइनस वन वन माइनस जीरो वन ट्वेंटी माइनस ठीक है कहाँ पर है यहाँ पे दिस वन किससे कर रही है यहाँ से जिस कालम में हम वर्क कर रहे थे उसके एलिमेंट देखें दिस इज दिस वाज अवर कॉलम जो इक्वेशन लीव करती है उसके अलावा क्या होते हैं जीरो देखें जीरो जीरो ठीक है दिस एंड दिस जीरो तीनों आपके पास क्या है जीरो है। से okay? तो पावर्ड नंबर भी वही होता है ओके okay? ये हम क्या कर रहे हैं वही चीज कर रहे हैं कि भाई हमें सोल्यूशन कहाँ तक लेके जाना है जहां पर आपके जो जेड है जो हमने नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया था रिप्लेस करके उसका जो सॉल्यूशन है जेड शुड बी इक्वल टू जीरो स्टिल हम देख रहे हैं जेड यहाँ पे ट्वेंटी है हमें इसको जीरो करना है ठीक है जीरो कैसे करेंगे देखें दोबारा से वही स्टेप हमने देखा कि दिस इज योर जेड इक्वेशन मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है और मोस्ट पॉजिटिव नंबर इज वन इसका मकसद है वाई विल एंटर यूर बेसिक वेरिएबल ओके वाई एंटर करेगा तो भाई किसी को लीव करना है

ओके okay, इसका मकसद ए अगर लीव करेगा तो ये इक्वेशन तो आपकी सेम ही रहेगी ओके okay? इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि इसने लीव किया देखें ये इक्वेशन सेम होनी चाहिए जीरो 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 ओके सॉरी जीरो जीरो के वन माइनस वन वन माइनस वन जीरो माइनस वन वन ट्वेंटी देखें दोनों में सेम है आपको मैंने पहले भी बताया जो इक्वेशन आपकी जो बेसिक वेरिएबल लीव करता है उसकी इक्वेशन में कोई तब्दीली नहीं आती है उसके अलावा आपकी इक्वेशन में तब्दीली आती है फिर दोबारा देखें यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन है ये लीव करेगी ठीक है दिस वन इसका पाइवर्ट एलिमेंट क्या है वन इसके ऊपर क्या होने चाहिए जीरो कौन कौन सी जगह ज़ीरो होने चाहिए भाई एक यहाँ पर वाई में वन होना ज़ीरो होना चाहिए यहाँ तो है ही जीरो यहाँ पर जीरो देखें ये इक्वेशन भी सेम होगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी यहाँ जीरो है देखें जीरो वन जीरो देखें जीरो वन जीरो फिर देखें वन जीरो 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 फोर्टी ठीक है देखें वन जीरो 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 फोर्टी ठीक है देखें सेम है बाकी हमें कौन सी इक्वेशन चाहिए दोबारा से हमें न्यू एड इक्वेशन चाहिए और न्यू एस टू इक्वेशन चाहिए ये दोनों इक्वेशन कैसे बनेंगी न्यू एड इक्वेशन विल बी इक्वल टू ओल्ड जेड फिर हम पाइव एलिमेंट देखेंगे इसका भी वन है इसका भी वन है तो इजी है ओल्ड जेड इक्वेशन माइनस ए इक्वेशन जो ये इक्वेशन है देखें वन माइनस जीरो वन जीरो माइनस जीरो जीरो वन माइनस वन जीरो इसका मकसद है वन जीरो जीरो इसके एलिमेंट होने चाहिए देखें वन जीरो जीरो ओके बाकी देखें माइनस वन और ये माइनस का है जब सब टेक करेंगे तो जीरो जीरो माइनस जीरो जीरो माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन जीरो ओके फिर क्या होगा जीरो माइनस वन दिस विल बी माइनस वन देखें दिस इज माइनस वन इक्वल टू जीरो ओके बाकी हमारी कौन सी इक्वेशन बनेगी न्यू एस टू इक्वेशन न्यू एस टू इक्वेशन देखें भाई न्यू एस टू इक्वेशन हमारी कहां पर थे हाँ यहां पे सॉरी न्यू एस टू इक्वेशन ये इक्वेशन बनानी है कहां से बनानी है यहां से न्यू एस टू इक्वेशन भी कैसे होगी जीरो माइनस जीरो क्योंकि देखें वन माइनस वन ही जीरो होगा ना जीरो माइनस जीरो 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 माइनस जीरो जीरो एलिमेंट क्या होगा जीरो 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 वन ओके देखें जीरो 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 वन ओके सेम प्रोसेस कंटिन्यू वन माइनस जीरो वन जीरो माइनस माइनस प्लस वन जीरो माइनस वन माइनस वन थर्टी माइनस ट्वेंटी टेन ओके

फॉर एग्जाम्पल टेन आता और ये कंडीशन तो सेटिस्फाई इसका मकसद है कि भाई हमारे प्रॉब्लम के पास फिजिबल सोल्यूशन नहीं है ठीक है <coughs> उसके बाद हम फेज फेज में क्या करते हैं phase two इतना देखें ये प्रॉब्लम वही है सिम्प्लेक्स वाली ही चीजें हम कर रहे हैं फेज टू में क्या है फेज टू में क्या है कि भाई इन द फेज टेबल इज प्रिपेयर्ड विद द ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसकी मदद से बनाते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वो जो पुराना ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम छोड़ के बैठे थे हमने नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन उठाया था सम आर्टिफिशियल वेरिएबल वो हमने क्यों बनाया था हम तो चेक कर रहे थे कि इसके बाद फिजिबल सॉल्यूशन है या नहीं अगर है तो फिर हम उस पुराने फंक्शन को तो उठाएंगे ना ऑब्जेक्टिव ऐसे तो नहीं उसको छोड़ देंगे अब हमें उसकी तरफ जाना है देखें एंड द सेट ऑफ कॉन्स्टेंटलेटेड इन ऑफ फेज टू में क्या करते हैं ये जो कालम है आर्टिफिशियल वेरिएबल का इसको आप ओमिट कर देना है ये हमारे काम की नहीं है दैट्स इट हमें यहाँ से जो हेल्प मिली अब इसको रिमूव कर दें इस यहाँ पे जो ये कालम है यहाँ पर नहीं आएगी देखें यहाँ पर मौजूद नहीं है ओके okay? ओमिट करना है

नॉन बेसिक किस में करना है दोबारा से मैं रिपीट करूँ इन टर्म्स ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल ठीक है इन अदर द वर्डिशियंट ऑफ द बेसिक वेरिएबल मस्ट बी जीरो कह रहा है तो हम सिंपली कह दें कि कॉफिशियंट जो बेसिक वेरिएबल के हैं वो क्या होने चाहिए जीरो देखें यही टेबल हमने यहाँ लगाई है सेम की सेम ये वाली टेबल यहाँ है सिर्फ हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यूज चेंज की किसकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की देखें जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन था हमने वो लिखा है यहां पर देखें हमारा जो ये यह, लेके आएंगे तो -2, -2x, -5, 5, यही है देखें, this one, देखें -2, बाकी 0, 0, 0. और इसको तो हमने एलिमिनेट करवा दिया okay, और ये हमने रिप्लेस कर दिया अब देखें एक चीज बेसिक वेरिएबल हमारे पास कौन से हैं ये बेसिक वेरिएबल इन दिस केस एक्स एस टू और वाई

उसके कॉफिजेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमें जीरो करने होते हैं बेसिक वेरिएबल एक्स एस टू वाई का जो कॉफिजेंड है दैट इज माइनस टू इसको जीरो करना है एस टू का जीरो है ये तो सही है वाई का जो कॉफिजेंट है माइनस फाइव इसको हमें जीरो करना है अब इसको कैसे जीरो करेंगे इन्हीं इक्वेशन की मदद से जीरो करेंगे जो नीचे इक्वेशन है हमारे पास देखें इन द अबाउट टेबल एंड आर बेसिक वेरिएबल ठीक है मैंने आपको क्या कहा यहाँ देखें ये बेसिक वेरिएबल है एक्स और वाई

एंड इक्वेशन एंड एडिंग टू टू दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन कह रहा है आप क्या करें दो इक्वेशन की मदद में इसकी देखें कभी कभी ये होता है कि लॉजिक भी हल होती है ठीक है मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट द लॉजिक ठीक है देखें यहाँ पे माइनस टू है इसको मैं जीरो कैसे करूंगा इस इक्वेशन से ही तो करूंगा फन, वन से देखें क्योंकि इसी में तो वन है इसी में ही वन है बाकी सारे जीरो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा इसको मैं हम मल्टीप्लाई कर देंगे भाई प्लस से देखें यही कह रहा है ना इक्वेशन वन बाय टू इक्वेशन थ्री यहाँ पर सॉरी सॉरी अब हमें क्या करना है यहाँ पर देखें फिर मुझे इसको जीरो करना है इसको जीरो करेंगे तो भाई इस इक्वेशन में ही वन है ना यहाँ से मदद करेंगे यहाँ से उठा के दोनों को एड करेंगे इसको फाइव से मल्टीप्लाई करें इसको ऐड कर दें तो ये भी जीरो हो गया ये भी जीरो हो गया देखें यही तो चीज इसने बताई है कि भाई आप क्या करें मल्टीप्लाई uh, करें इक्वेशन वन को टू से इक्वेशन थ्री को फाइव से एडिंग टू टू दिस ऑब्जेक्टिव रो फिर क्या करें ऑब्जेक्टिव रो में ऐड करें पहले आपने टू से मल्टीप्लाई करवाया ऐड किया तो आपका वो एक्स जीरो हो गया फिर आपने फाइव से मल्टीप्लाई कराया फिर उसको ऐड किया वो जीरो हो गया तो आपके पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है एक्स और वाई को जीरो करना है ये वही हम जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में करते थे वही प्रोसेस है रिड्यूस फॉर्म जब करते थे ना तो रिड्यूस इक्लान फॉर्म में जीरो जीरो लाने के लिए क्योंकि जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो चीजें लाने के लिए हम क्या करते थे उनको नीचे वालों की मदद से जीरो करते थे लाइक दिस इसमें भी तो हमने वही किया है कि जो नीचे वाली टर्म्स है उनकी मदद से हमने उसको जीरो किया देखें देखे जीरो और जीरो बाकी कुछ भी हो हमारा मकसद क्या है जो बेसिक वेरिएबल है उनके जीरो अब देखें बेसिक वेरिएबल के जीरो मैक्शन एस थ्री इंटरस एंड एस टू लीव द बेसिस ठीक है वही जो पीछे हमें हमने बी ए किया उसके बाद हमारा जो है देखें उसके बाद हमें क्या करना है उसके बाद देखें इसको लीव करना है द ओरिजिनल प्रॉब्लम इज वन ऑफ द मैक्सिमाइजेशन देखें हमने क्या किया फेज टू में फेज टू में पहले हमने कहा कि भाई जो बेसिक वेरिएबल हैं क्या जो बेसिक वेरिएबल हैं उनके कोफिशेंट z इक्वेशन में जीरो करने हैं z इक्वेशन में जीरो करेंगे तो ही काम होगा जैसे मैंने आपको इसी मेथड में जैसे हमने a को जीरो किया था क्योंकि a हमारा बेसिक वेरिएबल था

ऑब्जेक्टिव फंक्शन ओरिजिनल दे दें और जो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो मैक्सिमाइजेशन था मैक्सिमाइजेशन में हम सिंप्लेक्स मेथड में क्या करते हैं हम मोस्ट नेगेटिव नंबर उठाते हैं यूर मोस्टेटिव माइनस फाइव इसका मकसद है एस थ्री विल इंटर द बेसिस ठीक है एस थ्री को इंटर करना है अब देखें एस थ्री इंटर करेगा तो किसी एक को तो लीव करना है हम क्या करते हैं रेशो बनाते हैं रेशो किसके बनेंगे एक्स एस टू और वाई का जो बेसिक वेरिएबल है

कहांसेप्ट कर रहा है एट दिस पोजिशन वन ओके ये क्वेश्चन आपकी क्या होनी चाहिए सेम एस टू की जगह आएगा क्या आपके पास एस थ्री और सेम होगी देखिए यहाँ पे राइट right साइड पे टेन ही होगा देखें राइट right साइड पे टेन ही है और इसकी मदद से ये तो जीरो है एक्स वाला ये भी हमारा मसला हल हो गया कि भाई ये भी जीरो है देखें एक्स वाला ये भी जीरो है बाकी मुझे यहाँ पे जीरो करना है और यहाँ पे जीरो करना है इसके लिए आपको पता है क्या करते हैं न्यू जेड इक्वेशन विल बी ओल्ड जेड इक्वेशन ओल्ड जेड में यहाँ पे माइनस फाइव है और एस टू में क्या है वन है तो इसको प्लस फाइव से मल्टीप्लाई कराए और एड कर दें ओके okay. सिंपल है यहाँ तो फिर जो फार्मूले हम यूज करते हैं वैसे ये भी इजी है आप फाइव से इसको मल्टीप्लाई करें और एड कर दें ये माइनस फाइव प्लस फाइव जीरो ठीक है फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा फिफ्टी और यहाँ पे क्या आएगा वन एटी ये हो जाएगा आपका टू थर्टी देखे टू थर्टी है ओके okay. ऐसे आप सिमिलर प्रोसेस जो हम कर चुके हैं वो सिमिलर प्रोसेस करेंगे और आप न्यू uh, इक्वेशन z की बनाएंगे और न्यू इक्वेशन किसकी बनाएंगे न्यू इक्वेशन बनाएंगे y की तो आपके पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो ऑप्टेंड हो जाएगा ठीक है यहाँ तक हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं ताला जिसको जो सवाल पूछने हैं वो पूछे ये हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑप्टेंड हो चुके हैं